हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं वेज फारा। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 चम्मच चने का दाल। इसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो कर ले लिया है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 कलियाँ लहसुन की, 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का। अब इसे हम पीस कर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस कर ले लिया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियों को मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को बारीक काट कर लिया है। तो थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा फूल गोभी, टमाटर, टमाटर के बीच का भाग निकाल लिया है मैंने, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज और हरी धनिया के पत्ते, थोड़ा सा पत्ता गोभी। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 कटोरी चावल का आटा, 1/2 चम्मच नमक, नमक स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 1 चुटकी खाने वाला सोडा और डालेंगे 2 चम्मच दही। तो अब इन सभी को अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए रोटी जैसा आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो गया है अच्छी तरह से। उसके बाद हाथ में हल्का सा तेल लगाएंगे और इसको लंबे आकार का फारा बना लेंगे। तो इसी तरह हम सभी फारा को बना कर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर जाली लगा लिया है। मैंने जाली में हल्का सा तेल लगाया है जिससे चिपके ना। और यहाँ पे 1/2 फारा को हम रख के इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम बाकी के फरा को भी डाल देंगे। ऐसा करने से ये आपस में चिपकेगा नहीं। उसके बाद हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 10 से 12 मिनट बाद ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद इसमें हम लगाएंगे तड़का। यहाँ पे मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई। ये दोनों जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। उसके बाद इसमें हम अपने फरा को डाल देंगे और डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला और इसे चलाते हुए हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और हमारा वेज फरा खाने के लिए तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।